हेलो फ्रेंड्स, सुबह की टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वाटरमेलन का जूस। देखिए, मैंने आधा वाटरमेलन काट के रख लिया है। अब इसे जो बीच के हैं वाटरमेलन के, उसे सारे को मैं निकाल लूँगी और आज मैं जूस वाटरमेलन में ही बनाऊँगी। ग्लास का यूज़ नहीं करूँगी, क्यों ना नए तरीके से बनाया जाए जूस। इसलिए मैंने सोचा आज वाटरमेलन का जूस बनाएं, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप घर में भी ज़रूर बना के पी सकते हैं इसे। वाटरमेलन तो सभी खाते हैं गर्मियों में। चलिए, तो इसे फटाफट काट के निकाल लिया जाए, बीच के पार्ट को इसके, और जो ऊपर के छिलके बचे हैं कटोरे जैसे मैंने काटा है उसे गोल रखा है। देखिए, खाली हो गया पूरा, बीच का निकाल लिया वाटरमेलन। अब मैंने देखिए ये निकाल के रखा है काट के, इसी का हम जूस बनाएंगे आज। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पीस पीस में काटना, जैसा आपसे बनता है वैसे काट के निकाल सकते हैं। मैं जूसर में डाल देती हूँ जार में। अब इसमें डालेंगे 1 कप दूध। कप बड़ा था तो मैंने 1 कप से थोड़ा कम लिया है दूध। दूध नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए, ना गर्म ना ठंडा। और उसे जार में डाल देंगे और चलिए इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए, तो अब इसे पीस लिया जाए। देखिए, जूस तैयार है बन के। और ये जार इतना अच्छा है, इसे कैसे भी पीसो पर बीज नहीं पिसाते। इसमें बहुत ही अच्छा जूसर है ये, और बीज बिल्कुल नहीं पिसाते किसी भी चीज़ का, बीज अलग हो जाते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा पीसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीसो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा दरदरा ही रखा था। छन्नी में लेके इसे छान लेते हैं वाटरमेलन में ही। देखिए, निकल रहा है जूस और कितना सुंदर कलर दिख रहा है इसका, लाइट पिंक पीच टाइप का। पीने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। देखिए, बाकी जो बचा है छन्नी में छान के उसे अलग कर दिया मैंने। अब थोड़ा सा इसमें डालेंगे काला नमक। आप चाहें तो स्वाद के लिए जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है, सिर्फ काला नमक डाला है। और आपको अगर खुशबू चाहिए कुछ, तो आप एसेंस भी डाल सकते हैं। अब मैं आइस क्यूब डालती हूँ। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मीठा पीना है तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं, पर मैंने वाटरमेलन को टेस्ट किया था, वो ऑलरेडी मीठा था, तो मैंने उसमें शक्कर नहीं डाला। और ये कुछ मिंट के पत्ते लिए हैं, इसे डाल देते हैं। इसे भी डाल के पी सकते हैं, लेकिन वाटरमेलन का टेस्ट नहीं आता, मिंट का ही टेस्ट आता है। इसलिए मैंने डाल के पीसा नहीं है, सिर्फ डेकोरेट के लिए ऊपर रख दिया है। तो ये तैयार है आज हमारा वाटरमेलन का जूस, जो कि वाटरमेलन में ही बनाया है मैंने, और दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और पीने में भी। मेरे पास स्ट्रॉ नहीं थे तो मैंने चम्मच से ही पिया है, आप स्ट्रॉ लगा के भी पी सकते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर है, जितना सुंदर ये दिख रहा है उससे कई ज़्यादा टेस्टी ये पीने में था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।